जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको चैत्र नवरात्रों की बहुत हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आपका ये नवरात्रा बहुत ही अच्छा गया होगा आज का दिन। नवरात्रि के पहले दिन से हमें इस तरह से कलश की स्थापना करनी चाहिए। उस पर हम याद रखें इस चीज़ का, लेकिन जब आप कलश रखेंगे तो उस पर जो कलश पे जो आप स्वास्तिक बनाएंगे और इस तरह से नारियल और अशोका पेड़ के जो पत्ते होते हैं उनको लगाकर इस तरह से आप कलश की स्थापना करेंगे। ये है हमारी पूजा सामग्री जो जो हमें इस दिन चाहिए होता है। ये माता का श्रृंगार होता है सारा, और इसमें लौंग का जोड़ा और कपूर वगैरह सब कुछ होता है, ये तो आप सब भी जानते होंगे दोस्तों। और आपको बहुत ही अच्छे और सच्चे मन से इस दिन पूजा करनी चाहिए। और ये सारे नवरात्रे जो आप सच्चे श्रद्धा भाव से करेंगे तो आपको यकीनन आपको भगवान बहुत ही अच्छा फल देगा। पर इस दिन आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप व्रत भी नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सात्विक खाना खाएंगे, बिल्कुल सिंपल सादा खाना होता है इन दिनों। और पूरे नवरात्रों में आपको नॉनवेज का ड्रिंक करना और जिसको मदिरा बोलते हैं, तो इन चीज़ों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। घर में बिल्कुल भी ये चीज़ें ना आनी चाहिए, ना कोई सेवन करे घर में इस चीज़ का। और ये प्याज लहसुन का तो आप घर से बाहर ही निकाल दिए इन दिनों, घर से बिल्कुल, घर में बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें घर में इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर की आप जो पूजा कर रहे हैं उस पूजा का आपके लिए कोई भी महत्व नहीं रह जाता बिल्कुल भी। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। और ये है हमारे घर का मेन गेट। मेन गेट पर आज के दिन जो है, अगर आप बंदरवान लगा सकते हैं, अगर बंदरवान आप मार्केट से लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप आम के अशोक के पेड़ के पत्तों का भी बंदरबान बनाकर लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही शुभ होता है इन दिनों हमारे लिए लगाना, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों इसी तरह से अगर छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो कि आप अगर जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरह से आपके लिए आपकी जो हेल्पफुल वीडियोज़ लाती रहूँगी आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।